हुए इसमें। और इस वक्त हम सीखेंगे कि जितने भी जो मसीह पर ईमान लाते हैं उनको क्या करना चाहिए।신앙의 발판이라는 건더 쉽게 말씀드리면 신앙의 기초, 기본이라는 것을 의미하는 것입니다. हाँ जी, यहाँ पे हम सीखते हैं कि ईमान की जो बुनियाद है, जो शुरुआत है, वो कैसे होनी चाहिए, या उसके बाद हमें क्या करना है।우리가 아까는 마태복음 7장 24절에서 27절 말씀을 읽었죠. सबसे पहले हमने देखा था माथेरोगम예, 마태복음 7장 24절 27절 아까 전에 읽은 말씀. जी, पहले सबसे हमने देखा था मत्ती इंजील उसके 14:24-27 분명히 예수님께서도 반석 위에 집을 지어야 된다고 말씀하셨어요. तक। यहाँ पे वहां पे उस आयत में मसीह हमें ये बता रहा है कि हमें जो अपना मकान बनाना है वो चट्टान पर बनाना।곧 하나님의 말씀 위에 나의 우리의 신앙의 기초가 세워져야 된다는 거예요. खुदा का जो कलाम है वो हमारी चट्टान है, और मसीह जो है हमारी मजबूत चट्टान है, उस पर हमने अपना घर बनाना신앙의 발판 첫 번째입니다. है, और ये हमारे लिए सबसे पहली बात है जो हमें सिखाई गई है।바로 온 우주 만물의 주인은 하나님이라는 믿음을 가지고 있어야 됩니다. और सबसे पहले हमने इस बात पर ईमान रखना है कि जिसने ये कायनात बनाई है वो खुदा।모든 세계 역사의 주관자도 하나님이십니다. और जो कुछ भी उसने इस दुनिया में बनाया है, पैदा किया है, जिस चीज को भी प्यार बख्शा है, वो खुदा ही है।지금도 이 세계를 움직이시는 분도 하나님이십니다. और इस दुनिया में अभी भी जो कुछ हो रहा है ये भी खुदा के वसीला से ही हो रहा है, खुदा ही उसको कंट्रोल कर रहा है।바로 우리 하나님은 창조의 하나님이시고 전능하신 하나님이라는 믿음이 우리 안에 있어야 돼요. और हमारे अंदर ये ईमान होना चाहिए कि जिसने ये सब कुछ पैदा किया है वो ही खुदा कादिर है।제가 여러분들에게 우주의 크기를 제가 잠깐 설명드린 적이 있습니다. 우주에? 우주. 네네. 유니버스, 우주. 네, 다시 말씀하세요. 예, 제가 여러분들에게 우주의 크기를 제가 설명드린 적이 있습니다. 아, 지 아비 वो हमें कायनात की जो हद है उसके बारे में हमें बताना चाहते हैं। 전 세계의 바닷가의 모래사장의 모래 알갱이가 우주 만물의 행성의 수라고 말씀드렸어요. हाँ जी, क्योंकि अगर हम कलाम मुकद्दस में से देखें तो उसमें बताता है कि रेत के जरात को हम नहीं गिन सकते, सितारों को नहीं गिन सकते।그 모래사장의 그 모래 알갱이 하나가 바로 우리 지구라는 거예요. 지구, 우리가 살고 있는 지구. हाँ जी, और जमीन पर जो कुछ पाया जाता है उसमें जो कुछ भी है, समुंदर है, हर चीज जो पाई जाती है उसको हम जमीन कहते हैं।여러분, 그렇기 때문에 우주를 연구하는 천문학자들은 다 하나님의 존재를 인정한다고 말합니다. और हर चीज जो यहाँ पे जमीन पर पाई जाती है वो हमें सबूत देती है, इसको एक बनाने वाला है और वो खुदा है।여러분, 그러므로 우리는 이 하나님을 인정하고 믿어야 돼요. और हमें अपने उस खुदा पर ईमान रखना है जिसने ये सब कुछ बनाया है।여러분, 이 하나님의 존재, 창조의 하나님, 전능하신 하나님을 믿는 사람이 바로 다윗이라는 사람입니다. 다윗? 데이비드 다윗. 네, ये जो है ये सारी बातें जो हमें कलाम मुकद्दस में से मिलती हैं, और खुदा के नबी जो है वो दाऊद हमें इसके बारे में बताते हैं।이 다윗 왕은 하나님의 성전을 짓기를 사모했어요. क्योंकि आप जानते हैं कि दाऊद ही था जिसने सबसे पहले हैकल को बनाने के लिए सोचा था। 그래서 이 하나님의 성전을 짓기 위해서 자신의 모든 재산을 다 하나님께 드립니다. और उसने सारे काहिनों को, जितने भी उस वक्त काहिन थे, सबको अपने पास बुलाया। उसने बताया कि हम मैं ये ऐसा काम करना चाहता हूँ।그런데 다윗은 내 것을 드린다고 한 것이 아니라
하나님의 것을 하나님께 다시 드린다고 그렇게 고백을 합니다. उसने ये करार किया था कि मैं खुद से ये सब कुछ नहीं कर रहा बल्कि खुदा को जो दिया हुआ है उसी से ही मैं उसके लिए एक हैकल बनाना चाहता हूँ। 우리 성경을 통해 확인하겠습니다. हाँ जी, ये चीज हम कलामी मुकद्दस में से देखेंगे। योक्तेसंग योक्तेसंग 역대상 29장입니다. 역대상. 역대상. 이제 pehla tawarikh uska 20 bab pehla tawarikh uska 20 bab 역대상 29장 29장이요? 예, 29. 네. 29장. pehla tawarikh नहीं नहीं पहला तवारीख उसका 29 पाप 29 10절에서 14절까지입니다. पहला तवारीख उसका 29 पाप 10 से 14 आयत आप पढ़ सकते हैं। बस दाऊद ने सारी जमात के आगे खुदावंद का शुक्र किया और दाऊद कहने लगा, आए खुदावंद हमारे बाप इसराइल के खुदा, तू अब्दराबाद हमारी हो, आए खुदावंद अजमत और कुदरत और जलाल और गलबा और अशमत तेरे ही लिए है, क्योंकि सब कुछ जो इमाम आसमान और जमीन में है तेरा है, आए खुदावंद बादशाही तेरी है और तू ही बाहैसियत सरदार सबों से मुमताज है और दौलत और इज्जत तेरी तरफ से आती है और तू सबों पर हुकूमत करता है और तेरे हाथ में कुदरत और तवानाई है और सरफराज करना और सबों को जोर बख्शना तेरे हाथ में है और अब ए हमारे खुदा हम तेरा शुक्र और तेरे जलाली नाम की तारीफ करते हैं। आमीन। Excuse me, sir. Hello. जी जी मैं आपको बताने लगा हूँ। Please translate this also because we don't know his meaning of Timari. जी जी first Chronicles Old Testament में से first Chronicles ये second king के बाद है। सेकेंड किंग। हाँ जी हाँ जी इतिहास। जी जी इतिहास के फर्स्ट इतिहास है उसका चैप्टर 29 है। चैप्टर 29 और वर्स है उसकी 10 से 14 10 टू 14 ने 역대상 29장 10절에서 14절입니다. 네네 저쪽에는 말이 조금 달라가지고 예예예 아, 네. 예, 예. 진행할까요, 전사님? 네, 아비 저 오게 아파트. 여기서 다윗은 이렇게 고백을 해요. 여기에 함 देखते हैं कि दाऊद इस तरह खुदा से बात कर रहा है। 여호와의 위대하심과 권능과 영광과 승리와 위엄이 다 주께 속하였습니다라고 다윗이 말을 합니다. 아니, 여기에 함 देखते हैं 10वीं आयत में पास दाऊद ने सारी जमात के आगे खुदावन का शुक्र किया और दाऊद कहने लगा है खुदावन हमारे बाप इसराइल के खुदा तू अब्दुल आबाद मुबारक हो। 그리고 천지에 있는 것이 다 주의 것입니다라고도 고백을 해요. हां जी और फर्स्ट 12 में हम देखते हैं और दौलत और इज्जत तेरी तरफ से आती हैं तू सबों पर हुकूमत करता है और तेरे हाथ में कुदरत और तवानाई और सफराज करना और सबों को जोर बख्शना तेरे हाथ में है। और 그리고 부와 기가 그러니까 모든 물질의 복은 다 하나님께 있다고도 말을 합니다. 아, 이제 यहां पे हमने क्या देखा है कि सारी चीजें कुदरत और तवानाई सब खुदा का है और खुदा ही सबको देता है। 그래서 다윗이 하나님의 성전 건축을 위해 드렸던 모든 그 헌금은 하나님께로부터 받은 것을 나는 그냥 드렸을 뿐입니다라고 얘기하는 거예요.
वो अपने लोगों को बताता है कि ये सब कुछ खुदा का दिया हुआ है और ये काम वापस खुदा को दे रहे हैं उसके घर को बनाने के लिए। 여러분, 이 다윗의 고백은 엄청난 고백입니다. और ये बहुत बड़ा ईमान का इकरार है दाऊद का जो वो लोगों के सामने कर रहा है। 곧 이 세상의 부귀 영화는 다 하나님께 속해 있다는 거예요. इसका मतलब ये है कि उनके पास जो कुछ है वो सब कुछ अपना खुदा को दे रहे हैं। 우리가 살아 있고 또한 죽는 것도 우리가 부자가 되고 가난한 것도 이 모든 것은 다 하나님의 손에 달려 있는 거예요. हम जी रहे हैं, हम मर रहे हैं, ये सब कुछ खुदा का है। हमारे पास बहुत सारा पैसा है, हम अमीर हैं या गरीब हैं, ये सब कुछ खुदा की तरफ से है। ये उसी मामूले मोदन यक्षा दो हनानी तुम्चाशिंगो हनानी उनेगाशिंग दानिंग को तो बिदोए दे। और इस जहान में जो कुछ भी है, इस पूरे यूनिवर्स में जो कुछ भी है, हमने इस बात पर ईमान रखना है कि ये सब कुछ खुदा का है। 우리의 신앙의 기초가 되어야 됩니다. और यही हमारे ईमान की जो है वो इब्तिदा इस बात से होती है कि हर चीज खुदा की बनाई हुई है, सब कुछ उसका है। 여러분, 우리가 잘 되는 것도 못 되는 것도 하나님의 뜻임을 알아야 돼요. और हमने हमेशा खुदा की मर्जी को अपनी जिंदगी में जानना है। 그래서 우리가 안 될지라도 불평하는 것이 아니라 하나님의 뜻을 알고 하나님께 기도해야 되는 거예요. और जब भी मुश्किल हमारी जिंदगी में आती है, हमने ये नहीं सोचना कि पता नहीं क्यों आ गई, बल्कि हमने खुदा की मर्जी को समझना है और दुआ करते रहना। यरुवन कुयाक संगेंगे बोमेन युब की सोगा नाओमिदा। पुराने अहदनामा में हम देखे तो वहां पे अय्यूब नबी के बारे में हमें मिलता है। और ये युबिरान सलामन हनानिमल चाय सोक्योतन सलामियसे। अय्यूब नबी जो था वो बहुत अच्छे से खुदा की खिदमत करता था। क्रंदे मागीगा युबे मोदन गोसल दा गाजोगामिदा। लेकिन शैतान ने क्या किया, अय्यूब के पास जो कुछ भी था वो निकाल के ले गया, सब कुछ खत्म कर दिया उसने। क्रंदे युबुन हनानिमल फुलफ्योंगाजी अनासो। लेकिन अय्यूब नबी ने कभी भी खुदा पर कोई इल्जाम नहीं लगाया, कोई भी बात नहीं की खुदा को। 하나님께서 주셨기 때문에 하나님이 가져가셔도 나는 괜찮다라고 고백을 합니다. 우스네 ये इकरार किया कि जो कुछ खुदा का है वो ले गया है और कभी भी उसने वो परेशान ना हुआ। 여러분, 이것이 그리스도인들의 기초적인 신앙이 되어야 됩니다. और ये ऐसा ही हमारा भी ईमान होना चाहिए। 모든 것은 하나님의 손에 달려 있다. हर चीज जो है वो खुदा के हाथ में है। 자, 두 번째 말씀드리겠습니다. दूसरे नंबर पर मैं आपसे आपको ये बात बताना चाहता हूं। 모든 인간은 죄를 지었다고 했습니다. जितने भी लोग हैं सारे हर कोई गुनाह करता है। 아담의 씨, 남자의 씨로 죄의 씨로 태어난 모든 인간은 다 죄인이에요. जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जितने आदम से पैदा होते हैं सब गुनहगार होते हैं। 그래서 하나님께서는 이 죄인인 인간을 구원하시려고 작정하십니다. लेकिन खुदा इस इंसान को बचाना चाहता था जो कि हमेशा की आग में झोंका जाता था। 그런데 이 인간을 구원한 방법은 오직 예수 그리스도라는 사실이에요. और वो जो हमें बचाने वाला था वो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह था। 바로 하나님의 구원의 방법 예수 그리스도입니다. और वो जो खुदा के निजात को हम तक लेके आया था वो सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु था। 여러분, 성경은 우리에게 말합니다. कलामे मुकद्दस हमसे इस तरह बात करता है। 죄의 삭은 사망이다. क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है। 죄의 결과는 죽는 것뿐입니다. क्योंकि गुनाह की जो आखिरत है वो मौत है। 그리고 피 흘림이 없음즉 죄 사함이 없다라는 말씀이 있죠.
जब तक वहां पे ये भी बताया कि जब तक खून नहीं बहेगा तब तक हमारे गुनाहों की माफी नहीं हो सकती। खुद उन इल्लुए जेल을 위해서 죄가 없는 의인이 피 흘리면서 죽어줘야 인간은 구원을 받을 수 있다는 말씀이. और वहां पे ये बयान किया है कि जब तक कोई रास्तबाज जो है उसका खून ना बहे तब तक हम हमारे गुनाहों की माफी नहीं हो सकती। 그러기 때문에 하나님께서는 자기 품 속에 있는 아들 예수 그리스도를 이 땅에 보내신 거예요. इसलिए खुदा ने अपने प्यारे पुत्र को हमारे लिए दुनिया में भेजा ताकि हम निजात पा सके। 여러분 어떤 누구도 죄인을 대신해서 죽을 의인은 이 세상에 한 명도 없습니다. आप ये जानते हैं कि इस दुनिया में कोई भी ऐसा शख्स नहीं था जो रास्तबाज और जिसने कभी गुनाह ना किया हो। 여러분 전 세계에 불교 신자가 굉장히 많습니다. मैं ये जानता हूं कि इस दुनिया में बहुत सारे मुकद्दसीन भी पाए जाते हैं। बुद्धोय चंचिजारन गौतमा सिद्धार्थ라고 하는 인도 사람으로 저는 알고 있습니다. कुछ इंडिया में भी ऐसे लोग पाए जाते हैं जिनके बारे में मैं जानता हूं। उरीगा सक्कामुनि라고도 부르죠. उस बुद्धिस्ट का नाम है जिसको ये सक्कामुनि बोलते हैं। 그러나 이 석가모니도 절대 하나님 될 수 없습니다. और जो वो सक्कामुनि है वो भी कभी भी हमें निजात नहीं दे सकता। 왜냐면 석가모니도 아담의 씨 죄의 씨를 통해 이 땅에 태어났기 때문에. वो इसलिए क्योंकि सक्कामुनि भी एक आदम से इंसान से पैदा हुआ है इसलिए। 여러분 아무리 불교에서 돌을 닦고 선행을 할지라도 그 아담의 씨 속에 있는 원죄는 없을 수가 없습니다. जितने भी लोग आदम से पैदा होते हैं वो कोई भी उनमें ऐसा नहीं पैदा होता जो बगैर गुनाह के पैदा होता हो। 왜요? 같은 죄인이 어떻게 죄인을 용서할 수 있겠습니까? 죄를 사할 수 있겠습니까? ये कैसे हो सकता है कि एक जो गुनाह में पैदा हुआ है वो गुनहगार है वो दूसरे गुनहगार को बचा सके। 우리 한국에도 불교를 믿는 많은 사람이 있어요. कोरिया में भी बहुत सारे बुद्धिस्ट लोग पाए जाते हैं। 그중에 제가 알고 있는 불교의 지도자가 있습니다. और उनमें से कुछ आने वाले मेरे लोग हैं। 그런데 그 불교의 지도자는 8년간을 한 번도 누워서 잔 적이 없다고 말합니다. 8년간? 8년, 8년. AD였어요. 네, 네. 네, 알겠습니다. 이제 उनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो 8 साल तक लेटे रहते हैं, कोई काम नहीं करते। 여러분, 우리는 잠을 누워서 자야 돼요. जैसा कि आप जानते हैं कि हमें जो है वो लेट कर जब हमने सोना होता है तो हमें लेटना पड़ता है बिस्तर पर। 근데 그 불교 지도자는 돌을 닦는다고 한 번도 8년 동안 누워서 잔 적이 없답니다. उनमें से कुछ ऐसे भी लोग हैं जो लेट के नहीं सोते बल्कि खड़े खड़े सोते हैं, लेटते भी नहीं है। 그렇게 고행과 수행을 하는 불교 지도자일지라도 그 사람도 죄인입니다. वो ये सब कुछ कर रहे हैं, अपने आप को वो मुश्किलात में डालते हैं, वो ये समझते हैं कि हमारे गुनाह माफ हो जाएंगे, लेकिन वो फिर भी उनके गुनाह जो बरकरार रहते हैं वो गुनहगार कहलाते हैं। वेरना कि उसके आदम के सी वंजे का इसी तरह क्योंकि उनमें भी आदम का वो बीज पाया जाता है जिसको लेकर वो पैदा हुए हैं। तो कुनी 10 년 동안 산 속에서 아무도 만나지 않았대. और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो 10 साल तक किसी से मिलते भी नहीं हैं। 그래도 그분은 죄인입니다. वो भी हमेशा गुनहगार ही रहते हैं। 여러분, 이 세상에 온전한 죄가 없는 의인은 없습니다. हम देख सकते हैं कलाम मुकद्दस में भी लिखा है कि कोई भी रास्तबाज नहीं, एक भी नहीं। 그러기 때문에 하나님께서 자기 품 속에 있는 아들 예수 그리스도를 이 땅에 보내신 거예요. इसलिए खुदा ने अपने प्यारे बेटे इकलौते पुत्र को इस दुनिया में भेजा। यीशु क्रिस्तु का इस दुनिया में 오셔서 저와 여러분들을 위해 그 로마의 십자가에 잔인하게 돌아가셨습니다.
और वो इस दुनिया में आया और उसने हमारे लिए, आपके लिए और मेरे लिए सलीब पर जान दी। 여러분, 그 로마 병등에 채찍에 예수님이 맞으셨어요. और रोमियो की हुकूमत में ये सब कुछ हुआ। 대제사장과 바리새인들은 예수님의 뺨을 때렸습니다. और बहुत सारे ऐसे लोग थे जो यीशु मसीह के मुंह पर थप्पड़ मार रहे थे। 예수님께 침을 뱉으며 모욕하고 욕했어요. 조롱했어요. और बहुत सारे लोग उसके मुंह पर थूक रहे थे। 그리고 가시미 율가를 머리에 씌우게 하죠. और उन्होंने कांटों का ताज उसके सर पर डाल दिया। 그리고 30cm라는 큰 못으로 이 손과 발에 목을 받습니다. और बहुत बड़े बड़े कील लेकर उसने उन्होंने उसके हाथों में ठोक दिए। 여러분, 이 손에 예수님의 못이 박혔어요. इस हाथ में, इस जगह पे यीशु मसीह के इस जगह पे उन्होंने कील ठोंके। 그리고 발은 이렇게 접어서 여기에 못이 박혔습니다. और उसको वो कहते हैं जैसे कि कील ठोक के उसको टेढ़ा कर देते हैं, टेढ़ा करके उन्होंने उसको दबा दिया हाथ के ऊपर। 그리고 마지막에는 창자국에 예수님의 옆구리를 찔렀어요. और आखिर में हम देखते हैं कि नेजा उसकी पसली में मारा गया। 예수님의 모든 물과 피가 다 흘렀다고 성경은 얘기합니다. और वहां पे कलाम मुकद्दस में लिखा है कि उसमें से खून और पानी बह निकला। 여러분, 흘림이 없은즉 제사함이 없다는 성경 말씀이 있다고 말씀드렸어요. वहां पे देखते हैं कि उसने कोई गुनाह नहीं किया था। 예수님은 우리를 위해 모든 피를 다 흘리셨습니다. लेकिन उसने हमारे लिए अपना सारा खून बहा दिया। 그리고 온 인류의 죄, 우리의 죄의 값으로 예수님이 십자가에 죽으셨어요. उसने हमारे गुनाहों का कफारा दिया और सलीब पर हमारे लिए जान दी। 여러분, 우리는 우리가 예수 믿고 구원받은 것은 오직 하나님의 은혜입니다. और ये खुदा का फजल है, उसकी मोहब्बत है कि हमने निजात पाई है। 우리 사도행전 4장을 보겠습니다. अभी हम रसूलों के अमाल में से देखेंगे चार बाब। एक्स चैप्टर 4, रसूलों के अमाल चार बाब। ये साधुएंजन 4장 우리 12절 말씀이에요. एक्स चैप्टर 4, बाबूपुरा वालों में से पढ़ दे कोई भी प्लीज। एक्स चैप्टर 4 वर्स 12। साजंग 12। ये 맞아요, 4장 12절 जी, बाबूपुरा वालों में से एक्स चैप्टर 4 वर्स 12। वो का पिता हो जो न केवल खतना किए हुए हैं परंतु हमारे पिता अब्राहम के उस विश्वास के लेख पर भी चलते हैं जो उसने बिन खतने की दशा में किया था। नहीं, आपने गलत पढ़ा है, दोबारा आप पढ़ दें प्लीज। एक्स चैप्टर 4 वर्स 12। और किसी दूसरे के वसीला से निजात नहीं, क्योंकि आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से हम निजात पा सके। सब बोले आमीन। 여러분, 다른으로서는 구원을 받을 만한 이름이 없어요. यहां पे हम देख सकते हैं कि किसी के वसीला से कोई भी ऐसा नहीं दुनिया में जिसके वसीला से हमें निजात मिल सके। 천하의 모든 사람 중에 구원을 받을 만한 이름을 우리에게 주신 일이 없어요. कोई भी ऐसा नाम नहीं है जिसके वसीला से हमें निजात मिल सके। सबका मनी भी हमारा निजात दहिंदा मुक्तिदाता नहीं है। और कोई भी ऐसा नहीं है जो हमें निजात दे सके। यहाँ पे सिर्फ एक ही नाम ऐसा है जिसके वसीला से हमें निजात मिलती है, मुक्ति मिलती है, और वो नाम है प्रभु यीशु। यीशु ने इस दुनिया में पाप के लिए आने के लिए नहीं बल्कि संगीत से आने के लिए कहा है। और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि प्रभु यीशु इस दुनिया में
पवित्र आत्मा का वसीला से आए। 또한 예수라는 이름은 자기 백성을 죄에서 구원할 자라고 말씀하세요. और वहां पे ये बयान किया गया है कि वो इस दुनिया में आएगा और अपनी कौम को निजात बख्शेगा, अपने लोगों को निजात बख्शेगा। 여러분, 이 예수 그리스도가 우리의 신앙의 기초가 돼야 돼요. और यही जो हमारी बुनियाद होनी चाहिए, यीशु मसीह। यीशु क्रिस्तु मारे नाये पुनर्जन्म साक्षी उरी आने बिदोजे लेना है। और हमें हकीकी तौर पर प्रभु यीशु को अपना मुक्ति दाता मानना चाहिए। और शिनागे भरपान सेवोचरल मार्शिंद्रेबिला। हाँ जी, और हमारा जो ईमान का रास्ता है, तीसरे नंबर पे हम देखते हैं वो क्या है। 하나님께서 이 세상을 움직이시고 역사하시는 것은 성령으로 역사하십니다. हम देखते हैं कि खुदा ने इस पूरी कायनात को बनाया और पाक रूह के वसीला से वो सारी कायनात को कंट्रोल कर रखा। 지금도 성령은 역사하고 계십니다. आज भी पाक रूह हमारे साथ रहता है। 예수 그리스도를 영접한 사람들과 함께 성령은 역사하고 있어요. जितने यीशु मसीह को कबूल करते हैं पाक रूह उनके साथ रहता है। 지금도 저와 함께 역사하고 계시고 여러분과 함께도 역사하고 계십니다. आज भी पाक रूह मेरे साथ भी और आप सबके साथ भी जितने उसके कलाम को सुन रहे हैं आपके साथ है। 여러분, 하나님의 능력을 믿는 사람, 예수 그리스도를 믿는 사람과 성령은 지금도 함께하고 있어요. जितने भी लोग खुदा पर ईमान रखते हैं और उसके प्यारे पुत्र प्रभु यीशु पर ईमान रखते हैं, पाक पवित्र आत्मा उनके साथ रहता है। 그리고 예수 그리스도를 증거하는 모든 현장에 성령은 지금도 역사하고 있어요. और जितने भी उसके पाक कलाम का प्रचार करते हैं प्रभु यीशु उनके साथ रहता है। 여러분, 사도행전 1장 8절에 이렇게 말씀하시잖아요. 사도행전 액식. 네네, 사도행전 몇 장 몇 절? 1장 8절. 안지. 레솔로의 아말 Acts chapter 1 verse 8. Acts chapter 1 verse 8. ने मुख्सानी इसको पूछना दे। अरे अरे, सादेंगन 1장 8절에 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받을 것이다라고 말씀하세요. हां जी, यहां पे बयान किया गया है जब लेकिन जब रूहुल कुदस तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुवत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। ये 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받는다 말씀하셔요. यहाँ पे ये बयान किया गया है कि जब रूह कुदस तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। 그래야 예루살렘을 넘어 온 유다를 넘어 사마리아를 넘어 땅 끝까지 증인이 된다 말씀하시는 거예요. और फिर क्या होगा, और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह हो गए।여러분, 증인은 법정에서 말하는 용어입니다. यहाँ पे हम देखते हैं कि हमें क्या हुक्म दिया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है। 어떤 사고를 내가 목격하거나 사건을 목격한 사람이 증인이에요. और जितने भी लोग हम सुन रहे हैं हम सब उसके गवाह हैं। 그래서 법정에서 증인을 앞에 세우고 성경에 손을 얹고 선서를 하죠. और आज हमने इस बात का इकरार करना है, हमने उसके पाक कलाम को हाथ में पकड़ के इकरार करना है। 내가 본 것을 거짓 없이 진실 말을 말하는 사람이 증인이라는 거예요. और हमने आज ये इकरार करना है कि जो कुछ मैंने सुना है ये सब हकीकत है और मैं इसी तरह दूसरों को ये बयान करूंगा। संयोगी देहाने इमाशोया यीशु कृष्ण का मिदोशिकी तेमुने यीशु के चिंगिने देसु इन्हें गोय। क्योंकि जब पाक रूह मेरे अंदर आएगा, मेरे पास आएगा, तो मैं यीशु मसीह पर
ईमान लाऊंगा, विश्वास लाऊंगा और मैं उसका बड़ा गवाह बनूंगा।여러분 중에 2000년 전에 예수님을 보신 분이 있나요? 다시 말씀하세요. 혹시 여러분 중에 2000년 전에 예수님을 보신 분이 있습니까? क्या आपके दरमियान कोई ऐसा शख्स मौजूद है जिसने 2000 साल पहले यीशु मसीह को देखा हो? 여러분 중에 2000년 전에 예수님이 십자가에 죽으신 거 보신 분이 있습니까? क्या आप में से कोई ऐसा है जिसने यीशु मसीह को सलीब पर मसलूब होते हुए देखा हो? 여러분 중에 2000년 전에 예수님이 부활하신 걸 본 적이 있으십니까? क्या आप में से कोई ऐसा है जिसने यीशु मसीह को दोबारा मुर्दों में से जी उठते हुए देखा हो? 여러분 나도 못 봤습니다. 저도 못 봤습니다. मैंने भी नहीं देखा। 하지만 예수 그리스도를 믿음으로 성령이 우리 안에 오셨기 때문에 그 모든 성경의 이야기, 예수 그리스도의 이야기가 믿어진 거예요. ये सब कुछ इसलिए है क्योंकि जब हम यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं तो पाक रूह हम में आता है और उसी पाक रूह के वसीला से हम ये गवाही देने वाले बन जाते हैं। ये संग्यों ये नावा हम के आशिको मेरा खान मोदन गिरल इंदु आशिदारन गए। क्योंकि जब पवित्र आत्मा हमारे साथ होता है तो वो हर रास्ते में हर जगह पे हमारी रहनुमाई करता है। आमीन। 그리고 내가 전도하는 모든 현장에 성령이 역사하시는 거예요. हर जगह जिस जगह भी हम जाते हैं वो हमारे साथ साथ रहता है।여러분 기억하셔야 됩니다. हमेशा आप इस बात को याद रखें। 여러분 혼자가 아니에요. आप अकेले नहीं हैं। 성령이 함께하고 계세요. पाक पवित्र आत्मा आपके साथ है। 성령이 여러분들의 길을 인도하시고 성령이 역사하고 있어요. और हमेशा वो हर राह में आपकी मदद करता है और अजीब काम करता है आपकी जिंदगी में। 우리의 삶 가운데 아무런 일이 벌어지지 않는다 할지라도 분명히 성령은 일하고 계십니다. हम कुछ भी करें कहीं भी जाएं वो हमेशा हमारे साथ रहता है। 2000년 전에 예수 그리스도의 제자들은 많은 핍박과 박해를 받았습니다. और 2000 साल पहले यीशु मसीह के शागिर्दों ने भी इस बात पर ईमान रखा। 그래서 많은 사람들이 로마 사람들을 통하여 순교를 많이 당했어요. और बहुत से लोग ऐसे थे जो रोम तक खुदा के पाक कलाम को फैलाने के लिए गए। कि रोमा 황제들로 인해서 많은 기독교인들이 죽음을 맞이했습니다. और वहां पर जाने के बाद रोमियों ने बहुत सारे ऐसे मसीही लोगों को मार भी दिया। 많은 그리스도인들이 화형을 당했어요. और बहुत सारे लोगों को तलवार के साथ कत्ल किया गया। 많은 그리스도인들이 십자가형을 당했어요. बहुत सारे मसीही लोगों को सलीब पर मसलूब भी किया गया। और बहुत सारे लोगों को संसार भी किया गया, पत्थरों के साथ मारा गया। और उनका एक ही मकसद था कि मसीही लोगों को बस हमने मारना है, खत्म करना है। लेकिन वो ये सब कुछ ना कर सके। 그리고 어떤 그리스도인들은 헌금으로 그 사람의 몸을 칭칭 감아요. और कुछ ऐसे लोग भी थे जो हमेशा मसीह को अपने साथ लेकर चलते थे। 그리고 기름을 바릅니다. और वो गवाही देते थे मसीह की। 그리고 로마 시내의 높은 곳에 달아나요. और बहुत सारे ऐसे लोग थे जो रोम में रहकर खुदा की गवाही, मसीह की गवाही देते थे। वहां पे हिस्ट्री ये बताती है कि एक ऐसा शख्स भी था जिस पर तेल छिड़क कर आग भी लगा दी जाती है। और उसी वक्त बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जो के मसीह पर ईमान रखते थे, उनको भी उसके साथ ही मार दिया गया। और बहुत सारे लोग ये सोचते थे कि खुदा उस वक्त उनके साथ नहीं था। लेकिन मैं ये कहता हूँ, हमारा ईमान है कि वो तब भी उनके साथ था और आज भी हमारे साथ है।
वो आज भी हमारे साथ है और हमारी रहनुमाई करता है। 여러분 결국 로마는 기독교 위에 예수 그리스도에 의해 무너지게 됩니다. और फिर आखिरकार क्या होता है कि रोम में भी मसीह के मानने वाले बहुत ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाते हैं। 결국 로마의 황제가 기독교를 인정하고 기독교를 국교로 삼게 되는 거예요. और वहां के बादशाह ने भी मसीह को कबूल किया और अपने मुल्क को एक मसीही मुल्क बना दिया, क्रिश्चियन कंट्री। ये 모든 것은 성령의 역사하신 거예요. ये सब कुछ पाक रूह के वसीला से मुमकिन हुआ। 여러분의 삶도 마찬가지입니다. आज भी ये सब कुछ हमारे साथ इसी तरह होता है। 우리가 하나님을 믿고 예수 그리스도를 믿는다면 성령은 여러분과 함께 하고 있어요. जब हम खुदा पर ईमान रखते हैं और उसके प्यारे पुत्र प्रभु यीशु पर ईमान रखते हैं तो पाक रूह हमेशा हमारे साथ रहता है। तेतेरो 우리가 힘들고 어려울 때는 아 하나님이 나와 함께하지 않을까라고 생각할 수도 있습니다. Sometimes हम ये भी सोचते हैं जब हम पर कोई मुश्किल आती है, परेशानी होती है, हम थक जाते हैं तो हम कहते हैं कि खुदा हमारे साथ नहीं है। 하지만 그런 생각을 주는 건 악한 마귀라는 걸 기억하세요. लेकिन ये जो सारी चीजें हैं ये शैतान हमारे जहन में डालता है। 성령은 여러분과 함께 하고 계십니다. लेकिन आप ईमान रखें कि पाक पवित्र आत्मा आपके साथ है। 이전에도 우리와 함께 하고 계셨습니다. उससे पहले भी हमारे साथ था। 앞으로도 우리와 함께 하실 것입니다. वो फ्यूचर में भी हमारे साथ रहेगा। 이것이 여러분들의 신앙의 기초가 되셔야 돼요. ये आपके ईमान की बुनियाद होनी चाहिए। 반석이에 세워진 여러분들의 신앙이 되어야 된다는 거예요. आपका ईमान ऐसा होना चाहिए जैसा चट्टान पर घर बनाने वाले का। 그래야 흔들리지 않고 무너지지 않습니다. और अगर आपका ईमान ऐसा है तो आप कभी भी गिर नहीं सकते, आपका घर कभी भी टूट नहीं सकता। 여러분 우리 한국의 역사는 비극적인 역사가 많습니다. हमारे यहाँ भी बहुत सारी ऐसी तारीख पाई जाती है, इतिहास पाया जाता है। 5년에 한 번씩 전쟁이 일어난 나라가 우리 한국입니다. हमारी कंट्री के बारे में हिस्ट्री ये बताती है कि हर 5 साल बाद हमें जंग लड़ना पड़ती थी। 한국이 침략하기보다는 우리 한국이 침략을 많이 당했습니다. और बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको लोग कैदी बनाकर ले जाते थे। 우리 한국은 아시아의 동쪽의 작은 나라입니다. मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारा मुल्क एक छोटा सा मुल्क है। 그래서 중국과 러시아와 일본 사이에 있는 아주 작은 나라입니다. चाइना, जापान और रशिया के साथ जो मुल्क छोटा सा है वो हमारा एक मुल्क है। 그렇기 때문에 우리 한국의 조상들은 매일 침략을 당했어요. और हमें रोज ब रोज तंग किया जाता था, धमकाया जाता था। 여러분 전쟁 노예로 그 나라의 포로로 끌려간 사람도 많습니다. और हम तो बार-बार हमें जंग का सामना करना पड़ता था। 전쟁이 나서 먹을 것이 없어 가난해서 죽은 사람이 너무 많았어요. जंग की वजह से बहुत सारे लोग मर जाते थे और गुर्बत रहती थी हमेशा। और जंग की वजह से बहुत सारी मुश्किलात हमारी कंट्री पे रहती थी। पूरी दुनिया में सबसे गरीब मुल्क हमारा मुल्क बोला जाता था। 그러나 하나님께서는 우리 한국을 사랑하셨어요. लेकिन खुदा हमारे मुल्क से प्यार करता था। 그래서 지금으로부터 130년 전에 선교사님들이 이 한국 땅을 밟았습니다. और 130 साल बाद 30 साल पहले कुछ मिशनरी हमारे मुल्क में आना शुरू हुए। 선교사님들이 이 땅에 오셔서 예수 그리스도를 증거하기 시작했어요. और उन्होंने प्रभु यीशु के बारे में गवाही देना शुरू की। 맨 처음에는 우리 한국 조상들은 그 사람들을 막 싫어했습니다. और सबसे पहले तो हमारे लोगों ने उन लोगों को बहुत बुरा समझा। 예수 그리스도는
서양의 귀신이라고 막 싫어했어요. 오, 예, अच्छा नहीं समझते थे कि ये लोग यीशु मसीह की गवाही दें. 여러분, 너무나 힘든 시기를 우리 선교사님들이 겪었겠죠. 뭐헛 히 मुश्किलात के साथ मिशनरियों ने कोरिया में आके काम किया. 그런데 성령은 그 속에도 일하고 계셨습니다. और लेकिन फिर भी वो कलाम मुकद्दस की गवाही देते रहे. 아무것도 보이지 않는 이 가난한 이 한국 땅에 성령은 일하고 계셨다는 걸. वो मुल्क जहां पे कुछ भी नहीं पाया जाता था वहां पे आके उन मिशनरीज ने ये काम शुरू किया. 이 우상을 섬기고 가난하고 전쟁에 많은 한국에 하나님 성령은 역사하셨다는 걸. एक ऐसा मुल्क जहां पे भूतों की पूजा की जाती थी, बहुत सारी मुश्किलात पाई जाती थी, ऐसे मुल्क में ऐसी जगह पे आके उन्होंने यीशु मसीह की गवाही देना शुरू की. 그래서 130년이 지난 이 한국은 하나님의 축복하셨습니다. और 130 साल गुजरने के बाद आज हम देखते हैं कि खुदा ने इस कोरिया को बहुत ज्यादा बरकत दी है. आमीन. 여러분, 한국은 아시아의 아주 작은 나라입니다. और कोरिया जैसा कि आप जानते हैं एशिया के एक बहुत छोटा सा मुल्क है. कुगोतो नामगा फुगी गालियो इसोयो. यहां पे आप देख सकते हैं कि नॉर्थ और साउथ है, दो कंट्रीज हैं. 하나님을 믿지 않는 북한은 큰 문제와 저주 속에 지금 살고 있습니다. वो लोग जो नॉर्थ कोरिया में पाए जाते हैं वो यीशु खुदा पर ईमान नहीं रखते, यीशु मसीह पर ईमान नहीं रखते और वहां बहुत सारी मुश्किलात हैं. 그러나 하나님을 잘 믿는 남쪽의 한국은 하나님이 복을 주셨어요. लेकिन जो साउथ में है जिसे हम साउथ कोरिया बोलते हैं वहां पर खुदा ने बहुत ज्यादा बरकत दी है. 전 세계에서 경제 10위권에 든 나라가 한국입니다. और जैसा कि आप जानते हैं कि ये पूरी दुनिया में अभी बहुत ज्यादा फेमस है वो साउथ कोरिया है. तो हांगुगे मुना TV, 영화, 드라마, 노래는 전 세계에 수출되고 있어요. 아비, आप देख सकते हैं कि हमारा कल्चर पूरी दुनिया में मशहूर है, ड्रामास और गाने और ये वो सब कुछ. 아마 인도와 파키스탄에서도 한국의 영화나 드라마나 노래를 아실 분은 계실 겁니다. मैं उम्मीद रखता हूं कि पाकिस्तान और इंडिया में भी बहुत सारे लोग हमारे कल्चर को देखते होंगे. K-pop을 아시는 분도 계실 거예요. और बहुत सारे बड़े लोग भी आपके कंट्री में मौजूद होंगे. 그리고 지금 올림픽 기간이죠. अभी जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ओलंपिक शुरू होने वाले हैं. 여러분, 세상에 세계 수많은 나라 중에 우리 조그만 한국이 올림픽 메달이 세계 10위권 안에 지금 따고 있습니다. पूरी दुनिया से आए हुए लोग जो ओलंपिक में शिरकत करते हैं उनमें जो तीसरा नंबर गोल्ड मेडल हासिल करने वालों का होता है वो कोरिया का होता है. 여러분, 이 모든 것은 성령께서 우리 한국에 역사하신 축복입니다. ये सब कुछ हमारी कुव्वत ताकत से नहीं बल्कि पाक रूह की वजह से ये सब कुछ होता है. आमीन. 130년 전에는 이 땅 가운데 우상과 가난과 질병과 전쟁밖에 없었어요. 130 साल पहले जैसा पहले भी मैंने बताया कि इस मुल्क में सिर्फ बुतों को मानने वाले लोग थे, मुश्किलात में जिंदगी गुजारने वाले, गुर्बत में जिंदगी गुजारने वाले लोग थे. 그러나 성령이 역사하셔서 130년 후에는 이 땅 가운데 전 세계에서 가장 교회가 많은 나라가 됐어요. लेकिन 130 साल गुजरने के बाद पाक रू ने अपना काम करना शुरू किया और अब मसीह की गवाही देने वाले लोग यहाँ पर मौजूद हैं.여러분, 우리 한국은 조금만 걸어가면 교회 십자가가 있습니다. हमारे लोग जो है वो हमेशा मौत को अपने साथ लेकर चलते हैं. प्रभु यीशु की गवाही. 여러분, 한밤중에는 교회 십자가만이 반짝반짝 빛을 밝히고 있어요. आप अगर कोरिया में जाएं तो एक इलाका में आप देख सकते हैं कि बहुत सारी क्रॉस जो आपको नजर आ सकती हैं जो रात को भी जगमगाती हैं. 여러분, 130년 전에는 아무것도 보이지 않았다는 거예요. 130 साल पहले आप इन चीजों को नहीं देख सकते थे.
लेकिन पाक रू ने यहाँ पर काम करना शुरू किया। 여러분의 삶 가운데도 아무것도 보이지 않을 수 있습니다. 130 साल पहले कुछ भी नजर नहीं आता था ऐसी चीजें। 앞에 가는 길이 꼼꼼할 수가 있어요. हर चीज हमें ये लगता था कि अंधेरा ही अंधेरा है। 그러나 기억하십시오. लेकिन आप इस बात को याद रखें। 성령은 지금 일하고 계신다는 사실을. पाकरू आज भी काम कर रहा है यह हकीकत है। 성령은 지금도 역사하고 있다는 사실을 기억하십시오. आज भी पाकरू काम कर रहा है यह बात सच है और हकीकत है। 그러기 때문에 힘을 낼 수 있는 거예요. इसलिए हमें हमेशा हिम्मत नहीं हारनी। 그러기 때문에 우리는 예수 그리스도를 말할 수 있는 거예요. हमें हमेशा यीशु मसीह की गवाही देनी है। 여러분 성령은 지금도 역사하고 있다는 걸 믿으시길 바랍니다. हमेशा इस बात पर ईमान रखें कि पाकरू आज भी काम करता है। इगे संदोए शिनागे चुम्योन बलपानिराने गोमी। मैं ये कहता हूँ कि जो लोग यीशु पर ईमान रखते हैं ये उनके ईमान की बुनियाद है। उरी ने बोंचेबुतोनन उरी 10분 쉬고 다시 금 하겠습니다. चौथे नंबर पे हम देखेंगे लेकिन 10 मिनट रेस्ट करने के बाद। 10분에 만날게요. ने 감사합니다. हेलो बाबूपुर, बाबूपुर वालों को समझ आ रही है? बाबूपुर वालों चले गए, चले गए, आ गए, आ गए, आपको समझ आ रही है? हेलो, हाँ जी, हाँ जी, आ रही है, हमको वो बोल दिया उन्होंने। हेलो जी, उन्होंने बोल दिया, बहुत कर रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं।